तो एक कविता जो है एक घूम रही है, तो मुझे व्हाट्सएप से आई है, तो मुझे पता नहीं है कि लिखी किसने है। अगर आप लोगों को पता हो तो यार उस आदमी को टैग कीजिएगा, मैं बिल्कुल धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अभी ऐसे ही कविता पढ़ देता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कर्फ्यू। एक कश्मीरी दोस्त का मैसेज आया है, लिखा है, कर्फ्यू है, एहतियात से रहिएगा, पानी कम गिराइएगा, नमक कम खाइएगा, ज़ाफ़रान की भी चाय बनाई जा सकती है, आटे में नमक डालकर पानी उबालकर भी रोटी खाई जा सकती है, चावल की पीच में छोंक से एक वक्त की सालन चलाई जा सकती है, दो कुनबे एक चूल्हे पर खाना पकाएं, साझी लकड़ी जलाएं, साथ बैठ खाएं, ऐसा करके बरकत रहती है, चावल की पीपी तेल की कुप्पी ज़्यादा दिन चलती है, माँ जी की दवाई ख़त्म हो तो पानी में हल्दी घोलने से आराम आएगा, अब्बा जी को गुनगुना घी घुटनों में लगाइएगा, बच्ची घूमने की ज़िद करे तो बालकनी में कंधे पर घुमाइएगा, खिड़की में से पड़ोसी से बात करते रहना, कुछ कम दिल होते हैं दिलासे देते रहना, उधार लेने देने में शर्म नहीं है, दहशत के बाद अमन में लौटाते रहना, किसी नाके पर पुलिस पूछे तो हाँ जी ना जी में कहना, आधार वोटर लाइसेंस खीसे में रखना, और कई बातें हैं जो तुम्हें सिखानी हैं, कुछ दिन की बात है, आपको कौन सा हमारी तरह कर्फ्यू में उम्र बितानी है। धन्यवाद।